तो हमारा दो दिन तक जो था ठीक है, पॉइंट नंबर वन से लेकर सात तक हम लोग जिसमें पढ़े थे, पहला दिन हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट ठीक है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़े थे। सेकंड डे हम लोग पढ़े थे पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस ठीक है, उसके बाद पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। ये टोटल हमारा तीन दिन छह सात आठ हो गया था। नाइन्थ नंबर हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस ठीक है। आज हमारा डे थ्री है इस वीडियो का। इसमें क्या था, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत मतलब सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है, खा चुका होगा, लिख चुकी होगी है ना, खा चुकी होगी, पढ़ ली होगी, सो गई होगी, ऐसा बोलते ना, पढ़ चुका होगा ठीक है, खाना खाली हो गई है ना, सो गई होगी, ऐसा करके बात करते हैं, ये हो जाता हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस ठीक है। इसमें भी वही आता है विल सेल आता है, तो विल सेल का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें, यहाँ फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या था हमारा सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, फ्यूचर में हमेशा विल और सेल आता ही है, विल या सेल प्लस हैव, विल हैव सेल हैव ऐसा लिखते हैं ठीक है। इसके बाद आता है हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं वह पढ़ाई कर लिया होगा, वह पढ़ाई कर लिया होगा ठीक है, वह पढ़ाई कर लिया होगा। तो इसका क्या हो सकता है, लड़का है तो ही ठीक है, सब्जेक्ट हो गया ही, विल और शैल में से आप विल लगता है इसमें ही के साथ में, आप हर जगह पे विल लगा सकते चलेगा ठीक है। ही विल हैव ठीक है, वर्ब थर्ड फॉर्म क्या है, पढ़ाई करना, पढ़ाई करना बोलते हैं स्टडी, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, और हमारा थर्ड फॉर्म यूज होता है स्टडीड, कहां पे स्कूल हो तो स्कूल में ऑब्जेक्ट यहां पे नहीं दिया तो नहीं लिखेंगे ठीक है। ऐसे कहां था, और एग्जांपल अपने मन से आप लोग बता सकते हो, फॉर एग्जांपल वे जब बच्चे क्रिकेट खेल लिए होंगे है ना, क्रिकेट खेल लिए होंगे ठीक है, ये बच्चे फटाके ले लिए होंगे, अभी दिवाली का टाइम आ रहा है, बच्चे फटाके ले लिए होंगे ठीक है। तो आंसर बच्चे को बोलते हैं चिल्ड्रन, चिल्ड्रन यहाँ पे चिल्ड्रन बहुवचन है, प्लूरल है, विल हैव भी ले सकते हैं, सेल हैव दोनों ले सकते हैं, हम लोग हमेशा विल हैव यूज करें, विल यूज करें तो विल हैव, चिल्ड्रन विल हैव, लेना को बोलते हैं टेक या परचेज, या दो चीज है, अगर आपको सेंटेंस में आता है कि दुकान से खरीद रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, परचेज या बाय ठीक है। लेकिन अगर कहीं किसी के घर से ले रहे हैं, कोई अपने घर में लाया है पटाखे, वो रूम से निकाल लेना बोलूंगा ले लिए, उसको बोलते हैं टेक। तो आपको सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस क्या बोल रहे हो। मैं ये लेता हूँ कि मार्केट से लोग खरीद रहे हैं, लेना मतलब क्या, मार्केट से खरीद रहे हैं, फिर भी हम लोग यहाँ पे टेक यूज करें, टेक दोनों जगह काम आ सकता है ठीक है। टेकिंग और थर्ड फॉर्म हो जाएगा टेकन, टेक मतलब सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है टेकन ठीक है। क्या चीज, फटाके, फटाके बोलते हैं क्रैकर्स ठीक है। चलो इसी में हम लोग नेगेटिव पढ़ते हैं, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव। नेगेटिव अगर हम लोग बात करें नेगेटिव में, तो सेम यही फॉर्म रहता है, बस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और ये हेल्प के बीच में क्या रहता है, नॉट, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव
प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप लोगों को अपना एग्जांपल बताना चाहते हैं कि मैं अपने मन से बताऊं? वह अभी तक पुस्तक नहीं लिया होगा। ठीक है, या वे लिखते हैं वे अभी तक पुस्तकें नहीं लिए होंगे। वे अभी तक पुस्तकें नहीं लिए होंगे। ठीक है, तो वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दे। दे के साथ में दे शैल नॉट हैव, दे विल नॉट हैव, दोनों लगा सकते हैं आप। तो जहां लगा रहे विल, दे विल नॉट हैव, क्योंकि नहीं बोला तो दे विल नॉट हैव। ठीक है, अब यहां पे भी वही प्रॉब्लम आ गया, लेना टेक या जो भी है। चलो यहां पे हम लोग यूज कर रहे थे बाय। ठीक है, ये होता है बाय। अब बाय का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बॉट। ठीक है, बी ओ यू जी एच टी, बाय का थर्ड फॉर्म होता है बॉट। ठीक है, दे विल नॉट हैव बॉट बुक्स येट। येट का मतलब अभी तक, अभी तक कौन सा था ये। ठीक है, और कोई एग्जांपल? चपरासी घंटी नहीं बजाया होगा। ठीक है, बैठ के आराम से नाश्ता करो, चपरासी घंटी नहीं बजाया होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? चपरासी बोलते प्यून, तो इसे एक्सपेक्ट देते हैं तो द प्यून विल नॉट हैव, विल भी लगा नॉट भी लगा है, विल नॉट हैव। ठीक है, बजाना को बोलते हैं रिंग। ठीक है, सेकंड फॉर्म होता है रैंक, थर्ड फॉर्म होता है रंग। रंग क्या चीज? घंटी। रंग द बेल, द प्यून विल नॉट हैव रंग द बेल। ठीक है, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव का दो एग्जांपल, नेगेटिव का दो एग्जांपल। इसी तरह से हम पढ़ते हैं इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन वाला पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के क्वेश्चन पूछते हैं ना हम लोग, तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा घुमा देते हैं। तो क्वेश्चन हमारा दो तरीके से हम लोग पूछा जाता है। तो इंटरोगेटिव का हम लोग पहला एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, पहले हम लोग स्ट्रक्चर लिखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले विल और शैल आ जाता है इसमें, विल या शैल प्लस विल और शैल हो गया। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस, ये जो दिख रहा है ना आपका, विल और शैल पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हैव, हैव। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, पॉइंट नंबर वन, क्या वह पुस्तक पढ़ ली होगी? क्या वह पुस्तक पढ़ ली होगी? और कोई एग्जांपल आपके मन में? क्या करके पूछना है आपको? क्या वह पुस्तक पढ़ ली होगी? क्या करके पूछा? मतलब इंटरोगेटिव है, सबसे पहले विल और शैल में से आप विल लगा दो। सबसे पहले विल, वह बोला है सब्जेक्ट, वह लड़की है तो शी विल सी। विल और शैल में से आपका विल आ गया, सब्जेक्ट आ गया शी, हैव लगा दी हम लोग। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है पे? रीड का थर्ड फॉर्म भी रीड होता है, पढ़ना। ठीक है, क्या चीज? बुक्स, एक बुक है तो बुक। विल शी हैव रीड बुक या रीड अ बुक? कुछ नहीं है तो एक ही बुक हम मानते हैं, एक बुक है तो बुक। बहुत सारा था तो क्या लेते हैं? बुक्स। ठीक है, यहाँ एक है तो एक बुक, अ बुक। अब एक और एग्जाम्पल बता दो क्या। ठीक है, आज हमारा यहाँ पे सबसे पहली बात क्वेश्चन मार्क रखता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं क्वेश्चन मार्क डालना भूल जाता हूँ पढ़ाते पढ़ाते, आपको ध्यान रखना है। पर मैं अगर आंसर लिखता हूँ, जब मेरा अगर एग्जाम चल रहा था, मैं कभी गलती नहीं किया हूँ। ठीक है, तो आप लोग गलती नहीं करना, याद रखना।
इंटरोगेटिव और क्वेश्चन मार्क वाले में, क्वेश्चन वाले में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। क्या हम इस समय शहर से आ चुके होंगे? क्या हम कल इस समय से बोला से, ठीक है, तो इस समय को हटा देते रहें दो, फिर आपको कल भी लिखना पड़ेगा। क्या हम शहर से आ चुके होंगे, ठीक है, वैसे सेंटेंस जम ही रहा है, फिर भी आप लिख दिए तो लिख दिए, ठीक है। तो विल और शैल में से विल हमको बोलते हैं वी हैव, ठीक है, विल और शैल में से विल लग गया, सब्जेक्ट हो गया वी हैव, वर्ब का सर्फ हम आना, कम कम केम कम, थर्ड फॉर्म भी कम होता है, ठीक है। कम कहाँ, शहर से, फ्रॉम सिटी या टाउन, टाउन लिख देते हैं फ्रॉम टाउन, और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन जो पूछते हैं हम लोग, क्वेश्चन जो पूछते हैं ना, तुम्हारा नाम क्या है, ऐसा जो पूछते हैं वैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछते हैं, उसके लिए ये हमारा जो स्ट्रक्चर सेम टू सेम रहेगा, बस यहाँ पे आ जाता है डब्ल्यू एच फैमिली, ठीक है। डब्ल्यू एच फैमिली में क्या आता है, हम लोग पहले भी बहुत बार पढ़े हैं, ठीक है, मैं रिविजन करा दूंगा फिर भी, फिर से भाई विल या सेल, विल और सेल के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉरी हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो एक चीज यहाँ बताया, या तो सब्जेक्ट नहीं रहेगा, या तो ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, या तो क्रिया नहीं रहेगा, तो एक चीज यहाँ से आपका गायब रहता है, ठीक है, ध्यान रखना ना। चलो इसमें देख लेते हैं, वे बाजार में क्या खरीद रहे होंगे, नहीं रहे होंगे ना, क्या खरीदे होंगे, ऐसा भी होते हैं, ठीक है। वे बाजार में क्या खरीदे होंगे, ठीक है, खरीद रहे होंगे बोलेगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा, वो तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दे, सॉरी डब्ल्यू एच फैमिली में यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्या करके क्या क्या बोलते हैं इसमें, व्हाट व्हाट विल और सेल में सब विल लगा दो हर बार, व्हाट विल वे को क्या बोलते हैं, दे, व्हाट विल दे हैव, ठीक है, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या खरीदना, खरीदना को बोलते हैं परचेज करना या बाय करना, थर्ड फॉर्म होता है ब्रॉड, क्या खरीदेंगे कहां पे, मार्केट में, इन द मार्केट, इन द मार्केट, ठीक है। ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट।